दी मौत। यह वारदात नागपुर नंदनवर थाना अंतर्गत 24 मार्च को भांडेवाड़ी सीवेज प्लांट की टंकी में अज्ञात युवक की लाश का मामला पुलिस ने सुलझा लिया है। साफ तौर पर हत्या नजर आ रहे केस में पुलिस ने एक नाबालिग अन्य तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से मृतक की बहन का प्रेमी मुख्य आरोपी है। मृतक की पहचान चिपड़ी तहसील कुही निवासी रोहित शांताराम रंगारी 16 के तौर पर हुई है। वही नाबालिग समेत अन्य आरोपियों में शानू शेख और विराज मधुकर पाटिल शामिल है। पसंद नहीं था बहन से रिश्ता। जोन 4 के DCP राज तिलक रोशन ने बताया कि रोहित की बहन और शानू के बीच 3 वर्षों से प्रेम संबंध था। रोहित को यह बात पसंद नहीं थी। वह हमेशा शानू को गुस्से की आंखों से देखता था। ऐसे में शानू ने ठान लिया कि उसे रास्ते से कैसे हटाया जाए। 22 मार्च को शानू ने अपने दोस्त विराट और नाबालिग मित्र के साथ मिलकर रोहित को रात के खाने के बहाने से बुलाया था। इसके बाद चारों बाइक से अतुजी नगर निवासी अपने मित्र आशीष के अतुजी नगर स्थित रूम पर पहुंचे। वही आरोपियों ने रोहित से जमकर मारपीट की। इसके बाद उसे वाटोड़ा रोड स्थित डंपिंग यार्ड तक बाइक पर पहुंचाया। यहां से पैदल कचरे के ढेर तक ले गए। इसके बाद शानू ने रोहित के सिर पर पत्थर से जोरदार वार किया। बुरी तरह से रोहित जख्मी हो गया था। इसके बाद आरोपियों ने मिलकर रोहित को भांडेवाड़ी सीवेज ट्रीटमेंट प्लॉट की एक टंकी में फेंक दिया ताकि किसी को कुछ पता न चल पाए। वारदात को अंजाम देकर सभी मौके से फरार हो गए। पहचान के बाद हुआ खुलासा। हत्या के 2 दिन बाद 24 मार्च को पुलिस कंट्रोल रूम को उस वक्त के एक युवक की सड़ी गड़ी लाश होने की जानकारी मिली। मृतक की पहचान न होने से यह अंधकथन साबित हो रहा था। ऐसे DCP राज तिलक रोशन ने कई टीम बनाकर जिले में फैला दी। इसी दौरान पता चला कि कुही क्षेत्र से एक 16 वर्षीय रोहित गुमशुदा है। पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई तो मृतक की पहचान रोहित के तौर पर हुई थी। पुलिस द्वारा माता पिता ने पहचान साबित कराई है। क्राइम ब्रांच ने और अन्य स्टाफ ने यह मामला की गुत्थी सुलझाई है। फिलहाल आरोपी गिरफ्त में है। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप आज प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद।